दौसा जिले में भी कोविड टीकाकरण के दूसरे दौर का वैक्सीनेशन आज शुरू हुआ। दौसा जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा की मौजूदगी में टीकाकरण की शुरुआत हुई। डॉ. दीपक शर्मा ने लोगों से अपील की है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जिन्हें इस चरण में कोविड वैक्सीन लगाई जानी है उन्हें टीकाकरण के लिए आगे आना चाहिए। जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग और 45 से 60 के बीच के उन लोगों को भी शामिल किया है जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है, जो कोमोरबिड कैटेगरी है, उसमें एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा तो हम उनको भी लगाएंगे। मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वैक्सीन जितना लोग ज़्यादा लगाएंगे अपना देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, इसलिए आप सब वैक्सीन लगवाइए। हमें बहुत देर हो गई है वैक्सीन लगवाए पर हमारे कुछ भी नहीं हुआ और किसी को कुछ नहीं होगा, इसकी पूरा विश्वास रखिए और लगवाइए। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल कोई पेन नहीं है, अभी कोई तकलीफ नहीं है। लगाए हुए भी टाइम हो गया थोड़ा सा कहीं, और यहाँ आते ही अटेंड भी बहुत अच्छे से करा उन्होंने और सब अच्छे तरीके से वैक्सीन लगवाया।